नमस्कार, मेरे YouTube चैनल प्यारी बिटिया रानी में आपका स्वागत है। मैं अल्पना आज आपको बताने जा रही हूँ कि आम का अचार कैसे बनाते हैं। तो आम का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 किलो कच्चे आम ले लिए थे। उसको धो के पोंच के 4 भागों में काट के और उसमें नमक हल्दी डाल के उसको हमने 2 दिन के लिए एक जार में भर के रख दिए थे। फिर उसको निकाल के दूसरे दिन उसको 2 घंटे की धूप दिखा दिए हैं, जिससे हमारा अचार इस तरह से बनके तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे अब हम इसमें आगे कौन कौन से मसाले मिलाएंगे। आइए फिर देखते हैं। ये जो अचार हमने चराया था वही उसका पानी निकला है, उसको हमने रख लिया है क्योंकि अभी उसका अचार बनाते समय उपयोग करेंगे। ये मसाला जो है इसमें सौंफ और धनिया और जीरा मेथी तीनों मिक्स है, जिसमें आप उसकी मात्रा कम रखिएगा धनिया की। और ये काली सरसों है, मंगरायल, इसको करायल और कलौंजी भी बोलते हैं। और लहसुन, कुटी मिर्च, लहसुन को भी कूट लिया है। और ये हींग है। ये मसाले हमने साफ़ करके इनको थोड़ा सा हल्का हल्का वो कर लिया था, भून लिया था। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस कि जो उनकी नमी है वो ख़त्म हो जाए। बहुत हल्का कढ़ाई में डाल के फिर उसको पीस के तैयार कर लिया है। अचार में धनिए की मात्रा थोड़ा कम रखें क्योंकि जीरा और सौंफ ज़्यादा डालना है। जीरे की मात्रा 3 चम्मच, सौंफ भी 3 चम्मच, तो धनिया 2 चम्मच और मेथी लगभग 1 ही चम्मच डालना है। अब ये जो हमारी हींग है, देसी हींग है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको रख देते हैं। वही पानी डालेंगे जो अचार से हमारे निकला हुआ था और उसको रख देंगे तो वो अच्छी तरह से फूल जाएगी। अभी हम इसको अचार में अपने बनाते समय डालते हैं। देखिए अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए फुला दे रहे हैं। और तेल भी हमने सरसों का तेल 1 कटोरी रख लिया है। जो हमारे अचार बनाने की रेसिपी को देख रहे हैं कृपया अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उन्हें कैसा लगा। इसके लिए सबसे पहले एक हम बड़े बर्तन ले लेंगे जिसमें अचार मिलाएंगे। ये हमने जो मसाले बना के रखे थे मसालों को डाल दिया है। बारी बारी से डालेंगे। सरसों, काली वाली सरसों है, पीस लिया था। सरसों थोड़ा ज़्यादा ही रखें क्योंकि अचार में सरसों का टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। ये मंगरेल भी थोड़ा सा हल्का भून लिया था क्योंकि नमी जिससे ना रहे। इसको खड़ा ही डालेंगे, इसको पीसेंगे नहीं। ये लाल मिर्च पाउडर, लहसुन, लहसुन भी कूटा है, पिसा हुआ नहीं है, बहुत बारीक नहीं पीसना है। ये हींग जो हमने घोल रखी थी इसमें और पानी थोड़ा सा मिला दें जिससे ये पूरे अचार में फैल जाए। और अचार में जब हींग डालते हैं तो उसकी खुशबू खाते समय बहुत अच्छी आती है। ये हमारा सूखा अचार है, एक बार आप बना लेंगे तो 1 साल तक ये ख़राब नहीं होगा। ना तो इसमें आपको धूप दिखाने की ज़रूरत है, ना ही ऊपर से एक्स्ट्रा कुछ डालने की। तेल आपकी इच्छा हो तो डाल सकते हैं। नमक वैसे हमने जब चराया था, मतलब मिक्स करके रखे थे 2 दिन के लिए, तो नमक हमने पर्याप्त डाल दिया था। फिर भी थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि आम के अचार में नमक अगर रहता है तो अचार हमारा ख़राब नहीं होता। ये हमने सरसों का तेल भी डाल दिया ऊपर से। अब इसको हम खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाला, तेल, हींग, जो भी चीज़ें डाली गई हैं वो सारे कलियों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारा अचार एकदम मिक्स हो गया है। हल्दी भी डाल सकते हैं क्योंकि मेरे अचार में हल्दी बिल्कुल पर्याप्त थी, इसलिए हमने नहीं डाला है। अगर आपको ऐसा लगे तो आप और भी हल्दी ऊपर से डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा धूप नहीं दिखानी है क्योंकि धूप, अचार जिस सीज़न में बनाते हैं उसमें धूप बहुत रहती है, इसलिए 2 घंटे की धूप बहुत है। अब हमने एक जार को पोंछ के सुखा लिया है, अब इसमें हम अचार को भरेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा।
अब इस अचार को हम भर देंगे, और अचार भरने के बाद ऊपर से इसको धूप में रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको। ये सालों साल चलने वाला अचार है, ख़राब नहीं होगा। ऊपर से आप इसमें थोड़ा सा तेल ज़रूर डाल दें। हमने तेल थोड़ा कम ही डाला था। हमारे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।